लॉकडाउन के चलते जहां हर वर्ग प्रभावित हो रहा है, वहीं रोजाना मेहनत मजदूरी कर घर चलाने वाले लोगों के सामने संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई से सरकार द्वारा प्रदेश भर में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि लॉकडाउन जल्द खुल जाएगा, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ रहा है, वैसे वैसे हाथ की दस्तकारी से अपनी मजदूरी कमाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दिन भर पत्थर काट कर उनको सिलबट्टे का रूप देकर बेचने वाले मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन से पहले रोजाना 8 से 10 सिलबट्टे बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से उनकी बिक्री भी समाप्त हो चुकी है। घर में रखा हुआ राशन लगभग खत्म होने को है। उनके पास आने वाले समय के लिए राशन भी नहीं है। ना तो प्रशासन की तरफ से उनको कोई राशन दिया गया है और ना ही उनको वैक्सीन लगाई गई है। वाले तो मथुरा के यहाँ कहाँ काम करते हैं और कब से यहाँ रह रहे हो आप झुग्गियों में? यहाँ तो हम हुए कम से कम 18-19 साल हो रहे हैं, 18-20 साल। क्या काम करते हैं? सिल पत्थर का काम करते हैं। सिल पत्थर का? तो लॉकडाउन में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? धंधा पानी नहीं है, बस ये है कुछ सौदा बिकता नहीं है, खादी बिकता से क्या होगा, खाने पीने की दिक्कत वाली बात है। फिर जो खाने पीने के लिए आटा वगैरह की दिक्कत है और क्या, आटा वगैरह ये कहाँ से लेके आते हैं आप? कहाँ से बिकता तो थोड़ा बहुत ले आते, क्या करें, बच्चे तो पालने पालने पड़ेंगे भाई। जिला प्रशासन सरकार की तरफ से कोई मदद? अभी तो कोई मदद तो नहीं आई, कोई मदद नहीं आई है यहाँ, तो कोई नहीं आया भाई। लॉकडाउन से पहले कैसे गुजारा चलाते थे? पहले लोग रोड में तो भी आता था भी था, अब तक तो कुछ भी नहीं आया यहाँ। नहीं, लॉकडाउन से पहले किस तरह से आप कितने बेच देते थे? काम धंधा था, जब बंद रही थी पब्लिक नहीं आती थी तो काम धंधा भी था, पब्लिक नहीं आती तो क्या है। ये जो झुग्गियाँ थी, मार्केट बंद है, सब कुछ बंद है। ये जो झुग्गियाँ आपने बनाई हुई है, कितने परिवार रह रहे हैं इसमें? हमारे 4 परिवार हैं यहाँ। 4 परिवार, 4 घर हैं। तो जब पब्लिक आएगी, मार्केट चलेगी तो हमारे धंधा चलेगा, जब चाहेगी क्या चलेगा। क्या सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से ये खाने, आदमी पहले लॉकडाउन में तो घर सौदा पानी खूब बढ़ता था, दे भी जाते थे सिलबट्टे का। अच्छा, तो पहले कितने रुपए कमा लेते थे लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन से पहले ऐसा था, खाना खर्चा निकाल के कपड़े निकाल के कभी 2000 रुपये महीना ऐसे करीब बच जाते। आप कितने रुपए कमा रहे हो? हम तो 1 रुपये भी कमाना नहीं, और दिन भर में 1-2 बिकती हुई खा जाते, कहाँ से पैसे आते, इतनी परेशानी है कुछ कहने को नहीं। अच्छा, एक जो सिलबट्टे पे कितने रुपए बचते हैं आपको? अब ऐसा ये पड़ जाता है करीब 80-90 रुपये का पड़ता है, कोई 100 का भी बिकता है, कोई 150 का भी बिक जाता है। तो काफ़ी परेशानी आ रही है लॉकडाउन में?